कल का दिन मेरे लिए बहुत बुरा था। कल मैंने व्लॉग भी नहीं किया और कल सारा दिन मेरी तबीयत खराब रही है। तकरीबन आधा दिन तो मैं हॉस्पिटल में ही रहा हूँ। ये कोई टाइम है घर आने का? तुम लोग 1 बजे के गए हुए हो। काम हम करके आए हैं ना, उतने काम तू करता ना तो शायद 2 दिन लग जाते हैं। वो ऐसा कि परसों रात को ना 2 बजे मेरी किडनी में पेन शुरू हुई और मैंने कहा वो अभी ठीक हो जाएगी, अभी ठीक हो जाएगी। वो ठीक नहीं रही। नहीं, ये चीजें बस लेके आया 6 घंटों में। ये चीजें नहीं लेकर आए, फर्नीचर भी देख कर आए हैं भाई। बस देख के आए हो? देख कर आए, लेके नहीं आए। दीवान देख कर आए हैं, देख कर नहीं, ऑर्डर देकर आए। अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं सारे? ठीक ठाक है, मजे में, बेहतरीन है। वेलकम करते हैं आपका ब्रांड न्यू व्लॉग में। आज मैं थोड़ा सा सुस्त हूँ, स्लो हूँ, लेजी हूँ। उसका रीज़न ये है कि कल का दिन मेरे लिए बहुत बुरा था। कल मैंने व्लॉग भी नहीं किया और कल सारा दिन मेरी तबीयत खराब रही है। तकरीबन आधा दिन तो मैं हॉस्पिटल में ही रहा हूँ। वो ऐसा कि परसों रात को ना 2 बजे मेरी किडनी में पेन शुरू हुई और मैंने कहा वो अभी ठीक हो जाएगी, अभी ठीक हो जाएगी। वो ठीक नहीं रही। मैं सो गया ऐसे जबरदस्ती, फिर सुबह 6 बजे मेरी आंख खुली, फिर मुझे पेन हो रही थी, मैं फिर जबरदस्ती सो गया। लेकिन 9 बजे मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ थी कि मैं बर्दाश्त नहीं था कर सकता। मैंने फिर नकाश भाई को उठाया, सारे घर वाले उठ गए। मैंने कहा यार मेरी तबीयत नहीं ठीक तो प्लीज मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। तो मैं इमरजेंसी गया जिनसे मैं चेकअप करवाता हूँ, वहां पे मुझे इंजेक्शन वगैरह ड्रिप्स वगैरह लगी, तो मैं वहां से वापस आ गया। अब फिर सारा दिन मुझे दर्द थी लेकिन थोड़ी कम थी। दोबारा फिर मुझे रात को हॉस्पिटल जाना पड़ा इमरजेंसी में कि मेरी जो तकलीफ है वो खत्म हो जाए। लेकिन खैर बड़ा बुरा दिन था। फिर मुझे डॉक्टर ने टाइम दिया था आज का कि आपने आज आकर कलर एक्सरे करवाने, उसके बाद मुझे चेकअप करवाना है। अभी मैं उठा हूँ और कलर एक्सरे जो करवाने हैं वो खाली पेट करवाने हैं, इसलिए उठते ही उठकर मैं निकल पड़ा हूँ। और आपको ये मैं दिखा दूंगा, ये मेरे ड्रिप्स जो लगी थी ये कल का बनवाना लगा हुआ है और ये उतारा भी नहीं इन्होंने। इन्होंने बोला जी नहीं उतारना नहीं है, क्योंकि जो कलर एक्सरे होते हैं ना उसमें 2 घंटे लगते हैं और 2 घंटे आपको ये ड्रिप होती है वो लगा कर रखते हैं, वो साथ साथ चलती है और साथ साथ जो है ना आपका एक्सरे होता है। तो अभी टाइम जाया किए बगैर चलते हैं, क्योंकि उन्होंने जो मुझे टाइम दिया था उससे मैं 15-20 मिनट लेट हो गया। मैंने रास्ते में से कुछ कैश निकलवाना है, निकलवा कर चलते हैं डॉक्टर की तरफ। और इसकी जो है ना टंकी भी अभी खाली हो गई है। गाड़ी हम लोगों ने चला लिया 521 किलोमीटर। अल्लाह खैर करे, लेट्स गो। यार मेरे टेस्ट वगैरह तो हो गए हैं और अभी मैं आया हूँ एक्सरे रूम में एक्सरे करवाने के लिए। एक्सरे करवा के अभी 2 घंटे टेस्ट लगने हैं और एक्सरे का भी ये कह रहे हैं कि 2 घंटे लगे हैं, क्योंकि साथ ड्रिप लगती है और साथ उसके एक्सरे का काम है। मैंने कहा ठीक है जी, खाली पेट बैठा हुआ हूँ मैं, क्या शाम तक मैं ना भी बैठा रहा हूँ। मैं आया हूँ फिलहाल अकेला, लेकिन मेरा दिल है किसी दोस्त को बुला लेता हूँ। छोटू भाई तो सो रहा होगा, मोटू भाई फ्री होगा या पंगी फ्री होगा, तो दोनों में से किसी को फ़ोन करता हूँ। मोटू भाई तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा जी। अच्छा जी, मेरे एक्सरे नॉर्मल वाले हो गए हैं, टेस्ट भी हो गए हैं, तो मैंने इसको बुलाया फ़ोन करके। क्या हाल है मोटा भाई? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? आज बड़ा ब्राउन कलर का सूट पहन के घूम रहा है। खैर कोई नहीं, मैं क्या सूट पहनना शुरू कर दी, ठंड आ रही है। मेरी गल सुन, जो मरीज अस्पताल आंदा प्रोटोकॉल देखता है, फड़े वो फड़े भी फड़ लिया, तेन भी चुके लाता आ जा यार। अच्छा जी, अभी अपडेट ये है कि कलर एक्सरे तो मेरा नहीं हुआ क्योंकि हॉस्पिटल की जो वो एक्सरे की मशीन है वो खराब हो चुकी है। वो कोई बटन शटन का मसला था, मैं काफी देर घंटा 1.5 घंटा बैठा रहा हूँ। इतनी देर में मेरे एक्सरे हो जाने थे, फिर उन्होंने बोला सर आप चले जाएं घर, कल आप 10 या 11 बजे दोबारा वापस आ जाइएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, काम इनसे करवाना है तो मजबूरी है, इनकी सुननी पड़ेगी। तो मैंने फिर डॉक्टर साहब को बोला, मैंने कहा कोई मेडिसिन वगैरह लिख दें, अगर मुझे दोबारा दर्द होती है तो मुझे मसला मसाइल ना हो, मैं जो है ना खा लूँ तो ठीक हो जाऊँ। तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन लिख दी है। अभी मैं निकल रहा हूँ, 3 बज चुके हैं और सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ, भूख से मेरा बुरा हाल है, इसलिए मैं रुका हूँ सामने से जो मैंने ऑर्डर किया है मिल्क शेक। तो मैंने कहा मिल्क शेक पीता हूँ फिर चलता हूँ घर, देखता हूँ घर वाले घर हैं या बाहर हैं, जिधर वो होंगे चला जाऊँगा। और मैंने हाथ से बनोला जो है उतरवा दिया, क्योंकि अब मुझे बहुत ज़्यादा इसकी पेन हो रही थी। मैंने कहा लो दोबारा लगना होगा तो लुवा लाँगा।
इन्हें पाइनएप्पल का मिल्क शेक है और ये मिलता किसी किसी जगह से, लेकिन मैं ये बड़े शौक से पीता हूँ, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर गुजारा हो जाएगा यही पी लेते हैं। अभी मैं जा रहा था रास्ते में मुझे भाई मिले हैं, भाई ने बाइक शाही रखी हुई है, मुझे कहते हैं भाई यार थोड़ा घर ढूंढ रहे थे, मैं घर ढूंढने की काफी लोड़ थी तो जी मिले। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। क्या नाम है भाई का? उमेर। आपका भाई? तो इन्हें शर्मा के रहे हो यार, मुंडे तो नहीं शर्माते होंगे। अच्छा अच्छा, और कुछ खाए पियेंगे? बस जी आ गए आप ब्लॉग में, आ गए सर आप अगले ब्लॉग च, ढूंढने की लोड़ नहीं, तुम आप ही आ गए। ठीक है ले जी, अपनी टंकी फुल हो गई है तकरीबन 13,200। बस एक यही खुशी है जो बहुत स्वाद देती है, लेकिन पैसे इसमें भी बड़े लगते हैं यार। अभी ना मैं वापस आ रहा था तो एक अनफॉर्चुनेट सीन हो गया, एक तो मूड पहले ही बड़ा खराब हुआ मतलब बुखार की वजह से, दूसरा ये ना एक निशान नजर आ रहा होगा आपको, एक इधर है और एक ये है, ये नजर आ रहा है, इसकी आपको स्टोरी सुनाता हूँ। घर पहुंचा हूँ तो ये फौज आई हुई है। क्या हाल है? ठीक हो? किधर घूम रहे हो यार? मिल ली है। अब किधर जाओगे? घर नहीं जाओगे, साइकिलें शाइकिलें लेके घूम रहे हो, घर नहीं जाओगे, अभी फिरोगे इधर लोर लोर। पढ़ते हो सारे? चलो चलो सही है, आप जाओ अब घर जाओ, मैं देख रहा हूँ घर जाते हो कि नहीं। चलो 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 चलो। अभी मैं वो गाड़ी का आपको बता रहा था तो बच्चे आ गए, तो मैं आपसे पूरी कंप्लीट बात कर नहीं सका। अच्छा ये मामला ऐसा हुआ है, मुझे नहीं पता, ये मैंने ऐसे निकला हूँ गाड़ी ना मैं लगा रहा हूँ तो मैंने अचानक देखा है, अब मुझे नहीं समझ आई कि ये मेरे से तो नहीं हुआ बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो निशान है ना ये अभी आई डोंट नो, या तो वो शोरूम में पड़ गया था, क्योंकि वो जब गाड़ियाँ लगा रहे होते हैं ना तो वो पार्किंग कर रहे होते हैं, तो या तो ये पार्किंग करते हुए लगा है उनसे या फिर कोई और मामला है, लेकिन मेरे से नहीं लगा जितना मुझे याद है, क्योंकि गाड़ी मैंने ना तो किसी गलत जगह पे लगाई है ना इस तरह से चलाई है कि ये कहीं पर लग जाए, तो या तो ये खड़े खड़े कहीं पर लगा है या मुझे लग रहा है शोरूम में ना खड़े खड़े उनसे वो उन्होंने, क्योंकि पार्किंग कर रहे होते हैं तब कोई ना कोई चीज़ ना वहाँ पे लग जाती है, क्योंकि ये खड़े खड़े हुआ है और ये चलने वाला निशान नहीं है क्योंकि थोड़ा सा बीच में है ना वो। लेकिन खैर कोई नहीं, अभी मैं क्या कर सकता, मेरा तो पहले ही मूड बड़ा ऑफ था बीमार होने की वजह से, लेकिन ये अभी नया काम हो गया और मेरा मूड खराब हो गया इसको देख के, लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं। टैक्सी में पूछूंगा शोरूम वालों से भी कि अगर उनसे तो नहीं हुआ, इफ अगर उन्होंने बोला कि हमारे से हुआ, लेकिन उनको भी शायद मेरे ख्याल से आइडिया नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपना हक है मैं पूछूंगा। खैर मैं अभी घर आ जाऊँ, और अम्मा जी ने मुझे बोला था कि सदका दे देना, और सदका मैंने दिया भी है, लेकिन अम्मा जी कह रहे थे कि बड़ा सदका दो, और नकाश भाई बाहर गए हैं, उनको फ़ोन करता हूँ भाई जान सदका सदका देखे आए, और मैं अभी बस घर पहुँच गया हूँ, मैंने खाना 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 देखूँ सारे। हेलो, क्या कर रहे हो सारे हैं? तो ये क्या कर रहे हो? हम खेल रहे। तू क्या कर रहे है? तू क्या पढ़ रहा है? अभी सुनाओ क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे थे? सारा ये ना उर्वा की आंख में लगेगी, इसको स्ट्रेट ऐसे रखो, ऐसे नीचे रख दो, उधर से उर्वा ध्यान से मेरी बात सुन, उधर पहले ही वो गंदी हो गई। क्या हुआ है? ये बहुत डामे बात है। क्या हुआ है? क्या लग जा, कहाँ से लगी है चोट? चल ए, ऐसे ऊपर रख, चल शाबाश, आजा आजा। इसकी मामा नहीं बाहर गए हुए हैं, इसके मामा बाबा। ओके बाय। चलो भाई। ओए वाह जी वाह, इजल तो पूरी एक्सपर्ट है जी इसमें। मामा बाबा कहाँ गए हैं? बाबा भी गए हुए हैं, और दादू किधर है? दादू और पप्पू अंदर है। चलो यार मैं खाना बनाऊं, मेरा डिल्ला बिल्ला चिका 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 चिका। आप क्यों नहीं ठेल रहे? आप क्यों नहीं ठेल रहे? आप इधर ठेलो ना इनके साथ, आप इधर क्यों बैठे हो? उसमें कोई नहीं गल सुननी मेरी। क्या सुना रहे थे? वन टू सुनाओ, टू थ्री फोर फाइव थ्री चिटी चिटी। यही यही यही। यार अम्मी क्या कर रहे हो? यार वो कलर एक्सरे तो मेरे हुए नहीं, कल दोबारा जाना पड़ेगा खाली पेट, अब मुझे भूख लग रही है, प्लीज कुछ दे दें। भूख से ना अब मेरा बीपी लो होना शुरू हो गया है। क्या पढ़ा हुआ है? चलो जब भी मैं नाश्ता मांगू सोच में पड़ जाते हो यार। आप पता क्या करें, पराठा बना दें साथ अचार दे दें और चाय बना दें, मैं वही खा लेता हूँ फिलहाल। और वो कहाँ गए हैं दुर्गिनैन और निकाश भाई? लोग मार्केट क्या लेने गए हुए हैं? क्या देते थे? केक रश। मैंने क्या करने हैं? वो क्या करने गए हैं मार्केट? कुछ सामान लेने गए थोड़ा। तो ये अफला तूने इधर छोड़ गए हैं? चले दे दे, उर्वा उर्वा उठ जा बेटा, उठ जा। दो दफा सफाई होगी और ये तीसरी दफा आप फिर करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है आपने। ये जो दो दफा की है ना सफाई उड़ने वाली है, क्योंकि इनका जो है ना काम शुरू हो गया है। यार दे दे जल्दी ना, मैं थक गया हूँ, मुझे भूख लग रही है, नींद भी आ रही है। A few moments later. नाश्ता बन गया जी, अभी अपना सुकून से नाश्ता करते हैं।
यार मैं तो चाय शाय पी के खाना शाना खा के सो गया था क्योंकि मुझे थकावट हो रही थी। अभी उठा हूँ तो फ्रेश हो गया हूँ। और असल में कल रात क्या हुआ था, कल मेरी जब तबीयत खराब थी तो जुल्कनैन कमल लोग आए थे सरप्राइजिंगली, किसी को नहीं था पता। उन्होंने रात को तकरीबन 12:30 बजे आके सबको सरप्राइज किया था। और अभी तकरीबन बज चुके हैं शाम के 7। और वो कितने बजे के निकले हुए हैं अम्मा जी? 1 बजे के निकले हुए हैं और अभी तक घर नहीं आए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही वो है किधर है, अभी तक आए क्यों नहीं? वो घर के लिए सामान खरीद रहे हैं। सामान कौन सा? जैसे कि छोटी छोटी चीजें, ये इसका एलईडी के नीचे वो क्या होता है, वो जो कंसोल होता है, कंसोल वो लेने के। अच्छा इसका, अच्छा ये असल में ना जुल्कनैन और कंवल ये दोनों की, हम तो थोड़े लेजी हैं, ये थोड़े ना इन कामों में फास्ट हैं। जो काम हमने 10 दिनों में करना है ना ये आगे 1 दिन में कर देते हैं। मैं और इनकाज भी थोड़े लेजी हैं, तो मेरे ख्याल से ये सारा सामान ले रहे हैं। अब आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता आपकी तरह, मैं भी अभी तक पता लिया क्या क्या लेने हैं क्या क्या नहीं, कोई आइडिया नहीं अभी तक। सो लेट्स सी, देखते हैं। अम्मा जी यार मैंने ना शॉवर लेना है और पानी बड़ा ठंडा, मुझे पहली बुखार है। हमारा तो गीजर भी नहीं लगा अभी तक, सर्दियां चढ़ रही है, सर्दियां चढ़ रही है, अभी तक गीजर नहीं लगा, तो मुझे गर्म पानी चाहिए अभी। गर्म पानी उधर चूल्हे पे कर देते हैं। चले फिर ना, या मुझे दे मैं रख देता हूँ यार, खुआ दे तो फिर मैंने नहाना है। मैं क्या थोड़ा सा नहा लूंगा, फ्रेश हो जाऊंगा, कल भी नहीं था नहाया। मैं ना अपने लिए मेरा दिल ट्राउजर ले लेता हूँ, ये बड़ा मैं ट्राउजर और शर्ट ले लेती हूँ नीचे से। अभी यार ये कोई टाइम है घर आने का, तुम लोग 1 बजे के गए हुए हो। हम करके आए हैं ना उतने काम, तू करता ना तो शायद 2 दिन लग जाते, हमें तो फिर 4-5 घंटे लगे। काम करके आए हो, बड़े काम करके आए। ये चेक कर। एक हाथ से तो दही भरी है, एक हाथ से तो बड़ा छापर पड़े। और क्या ले आया? कुकु भाई भी तो लेकर गए अंदर चीजें। नहीं ये चीजें बस लेके आया 6 घंटों में, लेकर आए फर्नीचर भी देख कर आए हैं भाई, बस देख के आए, देख कर आए, लेके नहीं आए, दीवान देख कर आए, देख कर नहीं ऑर्डर देकर आए। दे आयो सर, फोन कित्थे पे थोड़ा? कौन सा फोन? मैनू कॉल आई है। किसकी? और स्नोकर वाले दी। क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि जनाब 3 टेबल रेडी है, जेड़ा दिल करता आके पसंद कर लो। उन्हें आख्या तारक ने? आहो दिखा पागल क्या देखा, कोई गंदा काम करना है तूने। अच्छा फिर क्या बोला? कह रहा है जनाब आके आप चेक कर लो, जोन साहब को पसंद आए वो उठा लो, नहीं पसंद तो ऑर्डर जाना किसी और का, तो फिर उससे जाएगा आपका दोबारा बना। तो अभी जाए चेक करने? अभी तो कह रहा मैं बंद कर रहा हूँ, सुबह 10-11 बजे कह रहा है। कल मैंने जाना है ना कलर एक्सरे करवाने के लिए, 11 बजे जाना है, तो मैं जाके देखा हूँ बस उस। अच्छा मुझे मेरा तो नंबर उसके पास शायद पता नहीं, मैं देखा ही नहीं था आया, तुझे पता नहीं कहाँ से कॉल आई है मेरे साथ ही आपको पता है। हाँ जी रेट हो गया था, मैं तो रेट हो गया था, आप भी चले जाएं, उस दिन फाइनल हो गया था, रेट ठीक ही मिला है, जो अच्छा रेट था वही दिया उन्होंने, कोई ऐसा नहीं है कि ज्यादा रेट नहीं दिया। चलो खैर बाकी कल मैंने जाना, जाके फिर मैं पता कर रहा हूँ। कौन सा फर्नीचर? ओ मियां तबीयत की पोजीशन है? तबीयत ठीक है, अभी चेक करवाया हूँ डॉक्टर को। सुनाए जी मेरी गल, गौर ना सुन ले, बाहर दिया चीजा छेगा ते जिंदगी सुकून ना गुजरेगी। बात सही है, मैं तुम दस दिया, अगर तू यही ना यार दोस्तों ना गया शवरमा खा लिया पानी बोतल पी ले। शवरमा तो अबू मैं पहले भी नहीं, जेडी गल मैं करना पया, तू कोशिश कर घर दा पानी पी, बोतल शोतल छड़ दे, कोई चीज नहीं, मेरी गल सुन। अल्टीमेटम दे, ये पता की है 2-3 बार तेनू काम पैप चुका है। हां जी ठीक है, जदो तू बद भरेजी करना उदो काम शुरू हो जाता है। ठीक है तू अपना एक ज़हन बना ले, क्योंकि जिंदगी इको बारी मिली है या मिलनी है, इनू अच्छे तरीके ना गुजारो, जेड़ा डॉक्टर परहेज कहना करो ठीक हो जाएगा। बोतलां बोलिया पींदा है? और यार बोतलें तो मैंने छोड़ दी, अब कौन सी पीता हूं? मैं घर दी रोटी खा, घर की खा रहा हूं अभी तो। इत्थे रह मेरी गल सुन, इत्थे में ते गुजरात दी खा, लाहौर है ते फिर भी घर दी खा। बद परहेजी सब होती है जब कहीं सफर हो रहा हो। गंदम दी खा ओए, कोई गल नहीं मेरी गल सुन, अथों ओ आ जगह लग जांदी है। ओए गल सुन, छेदे बाजी ओए मेरी गल सुन, सफर करना करो पको आड़ पाड़ भी रखो ले जाओ। ऐं तुम एक गल सुना, गल गौर ना सुनी, कल सुन दे। नहीं नहीं तू चला जा तो नहीं सुन। हेलो गल सुन, 1988 का इलेक्शन सी शिगा साहब का। अच्छा ठीक है, उन्होंने दोवां भरावां ने ठीक है रोटी जो निकलना सी ना की पता हुंदा राती 11 बजे आना 12 बजे आना 1 बजे आना, उन्होंने आड़ पाड़ ची रोटी अरशा चने भुजे ते रोटी रखनी है, रोटी खानी है, बाहर खानी। अस्सलाम वालेकुम।
तेरा कसूर नहीं है। हेलो हां गड्डी किथे पहुंची दस दे। हेलो ओए तन्नू छोटो भाई दी गल सुना जी। हेलो क्या मिला था मेरी गल ते सुन। छोटो भाई नहीं अपना राणा साहब वो अपने पता टकी ते मसाए भी ने। हां जी इधर अपने किराएदार ने इधर वो रहंदे ने। हां जी ओ काशी दी ना शल्फा बनानी सी अपने किराएदार की ना शल्फे बनानी थी। मैं बता देता हूँ भाई अबू ने बहुत लंबी खींचनी है। दरअसल ना जो छोटू भाई है और हमारा घर है ना जो कि हम लोगों ने रेंट पर दिया है उसकी दीवार एक है। उसकी दीवार एक होने की वजह से ना हमारे एक जो किराएदार है ना उसके रूम में हम लोगों ने बनानी थी शेल्फ शेल्फ वगैरह ताकि वो अपना साजो सामान बाहर रख सके। इसीलिए मिस्त्री काम कर रहा था। मिस्त्री ने जब भी अपना काम करना शुरू किया काफी जरा ठोका ठकाई हुई। उस ठोका ठकाई की वजह से छोटू भाई लोग डिस्टर्ब हो गए। छोटू भाई ने सीधा अबू को कॉल कर दी कि अंकल जी ये क्या चल रहा है ये हमारे दीवार सारी खराब हो रही है आप क्या काम करवा रहे हैं। मैं क्या नहीं वो मैं सोया हुआ था आपको सुनाता हूँ बात। मुझे कॉल आई है उसकी तो उसने मुझे बोला है कहता यार अंकल को फोन किया अंकल ने फोन नहीं उठाया। वो ना वो इधर कोई मिस्त्री काम कर रहे हैं मुझे समझ आ गई कोई मिस्त्रियों के वाला साथ ही आपकी कॉल बीच में आ गई कहता मुझे अंकल की कॉल आ गई है। देखे बेशक मेरा दोस्त है या जो भी है लेकिन उनका देखे घर जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है जब काम करते हैं तो नुकसान उनको होगा इस चीज को मना करें तो इसलिए जो जेड़ा नहीं जो भी आप मिस्त्री लगवाएं कोई भी बंदा लगवाए उसको ये चीज का आपने बताना है कि ये हमारे हमसाए भी हैं हमारे फैमिली फ्रेंड भी इनका ख्याल रखना है। मिस्त्री नु तो शर्म होनी चाहिए ना या काशी नु के राम राम ना काम करन। हाँ। मैं फिर इन आखिया राणा साहब नु मैं कह राणा साहब तुसी उत्ते जाओ। हाँ। चेक करो ते मनु दसो। अच्छा जेडी गल ए हुण अल्लाह जानदा गया कहंदा मैं डायरेक्ट चढ़ जा। मैं कह तेनू मैं जो पे कहना तू उत्ते चढ़ जा डायरेक्ट ओनू के मनु चौधरी ने घल्या उत्ते तू जाके वेख जे कोई मसला बंद है जे तेरी मर्जी दा नहीं ते मैं बंद करा दया। नहीं नहीं वो तो वैसे ही हाल करता है इसलिए वो फोन करके कहता है बस वो हल्का सा कहता होता है कि अंकल आप प्लीज ना यू। तो इस वजह से उसका ख्याल रखा करें अब असल गल है पुराने मकान ने वो थोड़ी ठोका ठकाई करन ना तो वो साथ वालों को मसला होता है। कोई गल नहीं असि उन्होंने अगर कोई मसला खराब होएगा यार करना ही क्यों है यार। ते मैं उन्होंने दसिया मैं क्या पुत्र जेड़ा मिस्त्री लगे है ना मनीर वो तुहाडा हमसाया नाने दा सामने ओनू पुछ जाके की करता पाया। चलो कोई नहीं खैर अभी उसने आना छोटू भाई से उससे पूछूंगा क्या स्टोरी है। यार ये फिर कोई आ गया है। हेलो वालेकुम सलाम कौन सदका सदका तुसी नहीं मैं आपको ना इधर आके बताता हूँ रुके जी मैं बताता हूँ मोटू भाई और मेरे ख्याल से पंजी साहब आए हैं कहते हैं सदका करा दे सन कौन ओए गरीबो तू क्या करने आया है अभी तू आधे घंटे बाद जल्दी पड़ जानी है यार ये मैंने साफ लगाया है ये ना ये दोनों तेरे से जेलस होते हैं। शाहरुख खान है के डोमिनिक टोरेटो है अच्छा माँ को शुक्र है कल थोड़ा जा वॉश किया ना दाई आई है किने वॉश तूने वॉश किया क्या कहता रहा तुझे मैंने फोन उठाया ना तो इसने बोला भाई को सदका खराब मैं आखा मेरे दोस्त सदका खराब लेंदे नहीं है कि मेरे दोस्त आ गए दिल कर पे गड्डियां तो चलो कह रहे अल्लाह ताला ने दितियां ने आज अंदर बैठ दे लगता यार खैर अल्लाह ने दितियां ने गड्डियां तो फिर की गल है चलो बार 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 तू जो है ना ये मैं ओए खाली ये तेरे से नहीं ये तेरे से भी जेलस होता है ये दोनों से मसला है इसको और ये खुद नहीं क्या क्या तुम लोग में ऐसी क्या चीज है कि जिससे क्या शाहरुख खान है कोई ऐसा नहीं जिसे मैं जेलस होना नहीं तुम लोग बड़ी किट्टे शिट्टे करके आए हो किधर जा रहे हो किधर मैच रखा हुआ शायद अफरीदी की टीम आ रही है किट्टे तुम्हारी मैचेस वाली है मैच नहीं ब्रो खेल पाऊंगा मैं वैसे चला जाऊंगा साल लेकिन खेलना नहीं है यार वैसे डाउन है तू जाएगा भी तू खेलेगा भी मुझे पता है ना ना खेलूंगा बैटिंग देखनी है क्रिकेट चाहिए।
तेरी छोटी है, क्रिकेट का जुनून तेरा वड्डा है। बात तो सही है यार, नहीं बीमारी भी मेरी माशाल्लाह वड्डी। यार देख ले मेरे, मैं और निकाश भाई कितने लेजी हैं, 10 दिनों तो काम फंसे हुए हैं। ये जुल्कन ऐन लोग रात आए हैं, आज आके सोफो को भी ऑर्डर दे आए हैं, दीवान का भी ऑर्डर दे आए हैं, सारा कुछ दिया है। ते आज स्पीड है ना, असल मैं भी स्लो हूं ते तुसी भी स्लो, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਓਏ ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਓਏ ਮੈਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਾਤ ਤੇਰੀ ਬਾਬਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਓਏ ਇਹ ਉਸਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾ ਜਿਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਉਸਕਾ चलो यार रख दो, काफी हद तक सफाई होगी। अच्छा ये मैंने आपको गमले नहीं दिखाए, ये पेंट हो गया, ये वाले बाहर वाले मैं सुबह दिखाऊंगा। आज मैं ड्राइंग रूम खोलता हूँ, आज जब मैंने शॉवर ले लिया और मेरे रूम में ये कुछ रहती थी, एक ये और एक ये लगाई है, और ये पहले हॉल में लगी हुई थी, तो अम्मा जान ने बोला कि ये हॉल वाली नहीं है, इसको अपने रूम में लगा लो, आपका थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप का रूम है तो ये अच्छी लगेगी। तो ये इधर लगी है, और इस फर्नीचर की बात, ये अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ फर्नीचर वाले का, उनको मैंने बोल रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे बंदा चेंज करना पड़ेगा, किसी और को बोलना पड़ेगा। करना क्या है, ये वाइट बेडशीट और वाइट ही ब्लैंकेट का कलर, सारे अपना ये जो क्या कहते हैं इसको, की कहते हैं इंग्लिश चल, पिलो 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 भी वाइट कलर के, और इसके ऊपर सारा वो दोबारा से पेंट हो जाएगा ये भी। और अम्मा जान इन्होंने सोफे नए किस कलर के ऑर्डर किए हैं, मेरा ख्याल ग्रे कलर में, ग्रे तो उसका क्या करना है, उसको ड्राइंग रूम में रखेंगे। हाँ। तो इधर मेरे रूम में और आपके रूम में क्या करना है, नए बनवाने हैं, ब्राउन वाला, ब्राउन वाला, हाँ, वो नया ही है। अब वो तो नया, चलो ठीक है, मेरे रूम में तो जी मेरी तो मैंने ना थोड़ी ब्राउनिश थीम रखी हुई है, जो मैंने पर्दे बनवाए हैं वो भी ब्राउन कलर के हैं, और सारा जो है ना व्हाइट एंड ब्राउन कलर का मेरा थीम होगा कमरे का, तो चलो मुझे तो चलो फायदा है, ब्राउन कलर का आ गया। और मेरे रूम में डबल आएगा, आपके रूम में वो थ्री पीस, ठीक है, आपका रूम थोड़ा बड़ा है ना, उधर वही अच्छा लगेगा। चलो खैर ये चीजें फाइनल हो गई हैं। अब मैं कह रहा हूँ फर्नीचर वाला जिसको बोला हुआ है वो तो आ नहीं रहा, वो तो कोई अफसर का बच्चा है, तो ये मेरा ख्याल है जिनसे सोफे बनवाए हैं उनको कह दूं, है ना, ताकि ये जो काम है ये सारा हो जाए ना अभी। और आपने जो बेडशीट मंगवानी है बनवानी है, वाइट कलर की चाहिए मुझे, अच्छा। बेडशीट भी वाइट, ये पिलो का भी वो वाइट, ठीक है, और ब्लैंकेट के ऊपर भी वाइट। होटल बनाना है, नहीं हॉस्पिटल नहीं बनाना, अल्लाह माफ करे, हॉस्पिटल से पहले ही बने हैं, कल दे हॉस्पिटल में फिर रहे हैं, घर में तो बेटा हर कलर की चाहिए, नहीं मुझे नहीं हर कलर की चाहिए, मुझे वाइट चाहिए, सुनो बिल्कुल वाइट ही, लाइट कलर, नो माँ जी फुल वाइट चाहिए, स्किन हो गया, नो 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 नो, मेरा रूम है ना तो मेरे रूम को मेरे लिहाज से प्लीज कर दे उसको वाइट ही बनवानी है, आपने बनवानी है ना अपने रूम की, क्योंकि ये फूलों शूलों वाली पुरानी हो गई है, इसकी जान छोड़ दे प्लीज, पुरानी हो गई है ना, अपने रूम के लिए भी कोई सिंगल थीम वाला कलर उठाएं, बहुत ज्यादा बेडशीटें पड़ी हैं, मैं मेरी वाइट बनवानी है प्लीज, ठीक है, आए ना मैं ठीक कर देंगे, उसे जाकर अपनी बना लेंगे, ठीक है। और मुझे खाने का बताएं क्या पकाया है, मुर्गी, देसी मुर्गी, अच्छा देसी मुर्गी है, वो मैं खा सकता हूँ ना, चले कितनी देर है, मुझे भूख लग रही है, नहीं मैं देसी खाऊंगा यार, दूसरी नहीं खाऊंगा, वैसे मेरा गोश्त मना किया हुआ डॉक्टर ने, लेकिन वो बड़ा छोटा गोश्त है, मुर्ग शुर्ग ऐसी खा सकते हैं। ब्रो तू क्या कर रहा है, काम कर रहा हूं। नहीं ये कौन सा काम, शीशे के साथ क्या करने लगा है, ये इस पे वो लगाऊंगा, वो जो शीट लेके आया था ग्लास पेपर, हाँ। जो हम कल लेके आए थे, हाँ। चलो हेल्प चाहिए तो बता दी, मैं नहीं करनी, और मेरे दोस्त बैठे हुए हैं कब से, उनकी तो अपडेट क्यों जाके, हाँ जी क्या हाल है, सॉरी यार मैं जरा शॉवर ले रहा था, मैंने कहा यार जरा दोस्तों को क्या हुआ यार, ये उसके ऊपर जो पड़ा था रेलिंग के ऊपर गंदा हो गया, तुम लोग सुनाओ ठीक ठाक, कहीं गए वैसे, इधर ही बैठे हो, चाय चाय भी बनवा लिया भाई जान है, सानू पता भी नहीं, सानू दसिया भी नहीं, अबू मामा यंदा की कहते क्या नाम है उसका, मामा यंदा, मामा यंदा नाम है इसका, तो इसका पता लेने के लिए आते हैं, ये जो नया नवेला दुल्हन है इसके लिए पता ले रहे हैं, मेरे लिए पता, मैं तो उनकी बीमार हुए हैं आज, कुछ होश आई है तेरे लिए पता लेन, चाय बड़ी अच्छी है यार, अच्छा किसने बनाई है पूछा, पता नहीं मेरा खाला खान साहब ने, क्या नाम है उनका, नहीं है फोन क्यों दिखा रहा है, नीचे रख, मतलब
मेरे को भी है वे हैं, मेरे को भी है वे। मुजम्मल भाई ने बनाई है। अच्छा अच्छा, खाने का टाइम हो रहा है, अभी खाना शाना खाइए। क्या अब तू फोन दिखा ले, एक से जान छुड़वाई है, अब तू शुरू कर दे। क्या खाना हुक्म कर, तूने क्या खाना है? लेकिन ओनली वो जो करेक्टर चैलेंज आप लोग, यार वो करेक्टर चैलेंज करना है यार, आप लोगों ने बड़ी डिमांड की थी, लेकिन ये पंगी साहब मिल नहीं रहा मुझे डे टाइम में। मैं समझ फॉर्चूनर की गल पा कर उसकी बात हो रही है फॉर्चूनर की, सिविक दी लाइट करोड़ दी है, करोड़ दी है, तू खच मार लगे है, तू लैनी है दस, तू लैनी है, लै के 125 में लवानी। नारी दूरों पता चलेगा मोटरसाइकिल तो खोता बैठा आ रहे। शाम अच्छा अपने पढ़ा बन रही अगे, मैं जुगत मारी है ते आ गया। यार प्लीज उर्दू बोला करो यार प्लीज, आगे ना पढ़ा बन रहा, आगे नहीं पहले, आगे नहीं पहले, फाड़ा 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 पहले, ये बहुत फाड़ा बन रहा, थोड़ी देर पहले ये फाड़ा बन रहा। क्या कह रहे हैं तुसी दसो? ओए उस्मान एक गल है, थोड़ी जी आदत तो छड़नी है तू अपना, हुन मैं तुम दस नहीं नहीं चल बुना नहीं है, जदों इहने कोई गल करे ना कोई थोड़ी जी हिट होवे इहनू, इहदा ना कलर बदल जांदा, चेहरे का कलर बदल जाता है, ठीक है? लेकिन पता की तू बिलकुल फिट रहा कर, गल करे अपने आप महसूस, तू एकदम ना डाउन हो जाना महसूस होना था। क्या मैं वैसे ही बड़ा डाउन टू अर्थ हूं भाई? कोई दुश्मन नहीं, असल दुश्मन तेरा ये है बस। चलो यार खैर कोई नहीं है, अच्छा अबू ने ना वारियां लाइया ने, एक बारी मेरी गल सुननी है फिर ओदी सुननी है फिर ओदी फिर ओदी, इनकी गुफ्तगू चलती रहनी है, आप कैमरा हम बंद कर, अच्छा इनकी नॉर्मल गुफ्तगू चल रही है, आप इसको बंद करते हैं। नहीं जी, हम लोगों ने खाना शाना खाया, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये लोग रेडी होके आए हुए क्रिकेट के लिए, मुझे प्रोग्राम का नहीं था पता, इन्होंने बोला भाई मैच रखा हुआ है, मैंने कहा भाई मैं खेल तो सकता नहीं हूँ क्योंकि मेरे अंदर इतनी अभी जान नहीं आई कि आज जरा मैं ढीला ढीला हूँ, लेजी लेजी हूँ, मैं खेल नहीं सकता है, तो इन्होंने बोला कि ब्रो साथ चलो खेलना मत, बस हम लोगों को मोटिवेट कर देना है। मोटिवेशन है तुम हमारी मोटिवेशन, मोटिवेशन है एडी वड्डी मोटिवेशन नहीं है, मैं पतली वेशन है ब्रो, तू बीमार नहीं है, शी जवान ओ आपका भाई बैठेगा और क्रिकेट देखेगा खेलेगा नहीं, चल झूठा। लेकिन मुझे पता है जब उधर जाते हैं ना तो उधर दिल बड़ा करता, बंदा कहता है मैं क्यों बैठा हुआ हूँ, सारे खेल रहे हैं, लेकिन आज नहीं खेलेगा आपका भाई, बैठा रहेगा, देखते हैं आज कितनी जो है ना क्रिकेट की पावर हमें तंग करती है। अच्छा मेरी बात सुन, ये तो सोया होगा, उसने भी सोया होना है, मैंने सुबह 10 या 11 बजे आना है, ठीक है? वो कलर एक्सरे के लिए तो मैं तुझे फोन करूंगा क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि एक बंदा साथ होना चाहिए तेरे। बोलो एक चीज की टेंशन लगी, क्या 7 बजे तक करूंगा कि ना बुड्ढी का मैसेज भी नहीं आया और 12:30 हो गए, रख लो आज तुझे, आज वैसे भी नहीं तुझे कर रहे जाने नहीं देना, क्या ख्याल है? चुप करो मैं अगे टेंशन हो, आज मुझे मजा आएगा, आज रल मरीद की शामत आएगी, फिर पुठी गल करते हैं, ओके यार अल्लाह हाफिज। जल्दी नैन लोग चले गए हैं मेरे ख्याल से, यस यार मेरी ना रिपोर्ट बड़ी हुई है इसमें, जो कि मैंने
दोस्त है मेरे, हॉस्पिटल होते हैं, उनको सेंड करनी है ताकि वो मुझे सुबह की अपडेट दें। खैर मुझे भूख लगी भी, अभी फ्रूट शूट खाऊंगा, सो जाऊंगा क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। और आज के व्लॉग से भाई को देते हैं इजाजत। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग बड़ा पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, डू सब्सक्राइब चाहूँ बिकॉज जोड़ी वीडियो थे लगनी है उधर अभी नहीं लगेगी। बीमार हूँ, थोड़ा सा डाउन हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा मेरी एनर्जी डाउन ना हो ताकि देखने वालों की भी एनर्जी मेरी वजह से डाउन ना हो। कल मुलाकात करेंगे, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।